हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश की पोयम ग्रेविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो इसमें कोई बिल्ली है जिसका नाम क्या है, मैकेविटी, और वो कैसी है, बड़ी रहस्यमयी बिल्ली है। डू यू हैव अ पेट कैट? तो क्या आपके पास या आपके घर में बिल्ली, पालतू बिल्ली है कोई? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्ट्रियस अबाउट इट? तो क्या आपने कभी देखा है कि इस बिल्ली के बारे में, या बिल्ली बड़ी रहस्यमयी है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McCavity is one for sure. तो जरूरी नहीं है कि हर कोई बिल्ली जो है वो mysterious हो, यानी कि रहस्यमयी हो, लेकिन जो McCavity है, यानी कि जो बिल्ली है McCavity, वो क्या है, वो जरूर कैसी बिल्ली है, बड़ी रहस्यमयी बिल्ली है। What is it that makes him a perfect mystery cat? तो ऐसा क्या है जो जो McCavity है वो एक मिस्ट्री कैट है? तो हम इस पोएम में उसके बारे में पढ़ेंगे। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। द पोएम पढ़ के हमें पता चलेगा कि जो मकैविटी है वो आखिर क्यों एक मिस्ट्री कैट है। मकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड अ हिडन पॉ। तो मकैविटी को क्या कहा जाता है? मकैविटी एक मिस्ट्री कैट है, बड़ी रहस्यमयी बिल्ली है, और उसको कहा जाता है हिडन पॉ, यानी कि छिपा हुआ पंजा उसको कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और ऐसा क्यों कहा जाता है? वो एक क्रिमिनल है, बड़ी मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है। और क्यों उसको ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो जो लॉज है, जो रूल रेगुलेशन है, उनको क्या करती है, डिफाई करती है, इनकी खुली चुनौती उनको देती है। ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्कॉट। तो बफलमेंट का मतलब होता है उलझन, और स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब है यहाँ पे द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंडन पुलिस फोर्स, और फ्लाइंग स्कॉट का मतलब भी है कि पुलिस दल जो होते हैं उनको फ्लाइंग स्कॉट्स कहा जाता है। जो जहाँ पे कुछ भी क्राइम होता है वहाँ पे जल्दी पहुँच जाते हैं, उनको फ्लाइंग स्कॉट्स कहा जाता है। तो जो मकैविटी है वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए और फ्लाइंग स्कॉट्स के लिए क्या बनी हुई है, उलझन बनी हुई है। बफलमेंट का मतलब उलझन बनी हुई है। डिसअपीयर फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मकैविटी इज नॉट देयर। और ऐसा क्यों, उलझन क्यों बनी है? क्योंकि मकैविटी जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। जहाँ पर कोई क्राइम हुआ होता है वहां से वो गायब हो जाती है, और जैसे ही जो स्कॉटलैंड यार्ड है और जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो वहां पे पहुंचते हैं, वो मकैविटी वहां पे नहीं होता है, वहां से गायब हो जाता है। मकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मकैविटी। तो मकैविटी के जैसा कोई भी नहीं है। He has broken every human law. उसने हर जो नियम कानून है वो तोड़ दिया है। He breaks the law of gravity. यहाँ तक कि उसने तो gravity का जो नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो भी तोड़ दिया। अब ऐसा क्यों कहा गया है? His powers of levitation would make a fakir stare. क्योंकि वो क्या करती है, वो हवा में आसानी से उड़ जाता है, ठीक है। Levitation का मतलब है कि आसानी से हवा में उड़ जाना। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि वो ग्रेविटी का नियम भी उसने तोड़ दिया है? क्योंकि वो हवा में आसानी से उड़ जाती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मकैविटी इज नॉट देयर। और जब आप ऐसे जगह पे पहुंचते हो जहाँ पे कोई क्राइम हुआ रहता है, तो मकैविटी वहाँ पे नहीं होता है। यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको बेसमेंट का मतलब तहखाना, जो आप सबसे नीचे होता है ना मकान के, उसको बेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आप उसको बेसमेंट में भी देख सकते हो और आप उसको हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मकैविटी इज नॉट देयर। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ कि मकैविटी आपको वहां पे भी नहीं मिलेगा। मकैविटी इज अ जिंजर कैट। मकैविटी क्या है, एक बड़ा हिम्मती बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, बड़ा लंबा है और पतला पतला सा है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। आप उसको पहचान जाओगे जब आप उसे देखोगे, क्योंकि उसकी आंखें कैसी है, संकन इन, अंदर को धंसी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, और उसकी जो आईब्रोज है वो काफी घनी घनी है। ऐसा लगता है कि हर टाइम वो कुछ सोच रहा है या सोच में डूबा हुआ है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सिर है वो गोल गोल गुंबद जैसा है। नेक्स्ट, हिज कोट इज डस्टी विद फ्रॉम नेगलेक्ट। अब उसका जो कोट है, जो कोट वो पहनता है, उसमें बड़ी धूल लगी हुई है, धूल चिपकी हुई है, क्योंकि उसकी ओर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। His whiskers are uncombed, और उसकी जो विस्कर्स है, जो उसकी मूछें हैं, वो ऐसा लगता है उसने कंघी नहीं करी हुई है।
ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। अब वो क्या करता है, अपने सिर को हिलाता है जैसे सांप अपने सिर को हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आप सोचेंगे कि वो आधा सोया हुआ है या वो आधा नींद में है तो वो हमेशा जागा हुआ होता है। मैकाइवटी मैकाइवटी देयर इज नो वन लाइक मैकाइवटी, तो मैकाइवटी के जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज अ फिन इन फिलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो बिल्ली के रूप में क्या है, एक डेविल है, एक क्या है वो शैतान है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी यानी कि वो क्या है, बड़ा दुष्ट है। You may meet him in a by street, you may see him in the square. आप उसको गली में मिल सकते हो या आप उसको स्क्वायर में देख सकते हो। But when a crime is discovered, then Macavity is not there. लेकिन फिर कहीं पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है तो वहां पे आपको Macavity नहीं मिलेगा, यानी कि वहां से वो एकदम से गायब हो जाता है। तो इस पोयम के पोएट कौन है, T.S. Eliot. नेक्स्ट इसके वर्ड मीनिंग्स है, क्या क्या हमने सीखा इसमें। तो डिफाई का मतलब होता है डिसओबे और रेसिस्ट ओपनली, यानी कि खुले खुली चुनौती देना, ठीक है। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। लंदन पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर्स को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड क्या है, अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, यानी कि ऐसा ग्रुप पुलिस का या सोल्जर सिपाहियों का जो जल्दी ही किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। लेविटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, हवा में तैरना यानी कि हवा में उड़ना बिना किसी सहारे के। फाइन का मतलब डेविल शैतान। फिलाइन का मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ कैट यानी कि बिल्ली से संबंधित। डिप्रेविटी का मतलब हो गया कि मॉरल करप्शन। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस है, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक इस मकाइवटी कैट रियली, क्या मकाइवटी सच में बिल्ली है, पहले स्टेंजा को पढ़ के आपको बताना है। नेक्स्ट है इफ नॉट हु कैन मकाइवटी भी, अगर नहीं आपको लगता कि मकाइवटी कोई बिल्ली नहीं है सच में तो कौन हो सकती है वो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आपको पूरे करने हैं। मास्टर क्रिमिनल इज वन हू, तो मास्टर क्रिमिनल कौन होता है जो एकदम से गायब हो जाता है क्राइम प्लेस जहाँ पे क्राइम हुआ रहता है। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बफल्ड बिकॉज, जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो बड़ा परेशान है। क्यों क्यों परेशान है, बिकॉज मैकाइवटी की वजह से। नेक्स्ट है बिकॉज डैश दे रखा है, फिर बिकॉज मैकाइवटी मूव्स मच फास्टर देन देम, तो मैकाइवटी किससे ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता है या एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, वो जा सकता है स्कॉटलैंड यार्ड से भी ज़्यादा तेजी से। नेक्स्ट है कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, Which law is Macavity breaking in the light of comment above? तो ऊपर जो है उस पर Macavity कौन सा law break कर रहा है, law of gravity. Read stanza 3 and then describe Macavity in 2 or 3 sentences of your own. आपको stanza 3 पढ़ के Macavity के बारे में बताने कि Macavity कैसा है। Next is say false or true for each of the sentences statement following statements. तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं या सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको ट्रू या फॉल्स करना है। मैकाइवटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, तो मैकाइवटी क्या है, साधारण सी बिल्ली नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ये तो आपको ट्रू हो गया, सही हो गया है। मैकाइवटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू, तो क्या मैकाइवटी वो नहीं कर सकता, नहीं मैकाइवटी सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैट है। तो एक जो फकीर इजीली कर सकता है, क्या मैकाइवटी वो नहीं कर सकता, ये गलत हो गया आपका। मैकाइवटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स, हाँ उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं क्योंकि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी भी तोड़ दिया है। मैकाइवटी इज वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट, तो क्या मैकाइवटी अच्छे से कपड़े पहने हुए उसने स्मार्ट है ब्राइट है, नहीं मैकाइवटी, हमने पढ़ा था कि मैकाइवटी का जो कोट है वो गंदा डस्टी है काफी, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैकाइवटी इज अ स्पाई ट्रिस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन, तो मैकाइवटी क्या मैकाइवटी के अंदर ये कैरेक्टर्स है, क्या वो क्रिमिनल है, हाँ मैकाइवटी क्रिमिनल है। हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स, इफ सो व्हाई डज ही कॉल मैकाइवटी अ फाइंड ऑफ एंड मॉन्स्टर, तो पोएम पढ़ के आपको बतानी है, बताना है कि जो पोएट है क्या उनको बिल्लियाँ पसंद है।
अगर है तो उन्होंने मकैविटी के बारे में ऐसा क्यों कहा कि जो मकैविटी है वो क्या है, मॉन्स्टर है, और वो क्या है, एक फाइन यानी कि डेविल है। हैज द पोएट यूज एक्सक्रेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट, फाइंड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इट एंड रीड दोस लाइंस अलाउड। तो ऊपर जो लाइंस दी गई आपको जोर जोर से उनको पढ़ना है, जो पोएम में दी गई है कि पोएट ने क्या कैट के बारे में कुछ स्पेशल बोला है इसमें। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। पोएम में हमने पढ़ा कि जो मकाइबिटी है वो क्या है, एक ऐसी बिल्ली है जो क्या करती है, बड़ी मिस्ट्रियस है, बड़ी रहस्यमयी बिल्ली है, और वो क्या करती है, जहाँ पे कोई क्राइम होता है वहां पर से वो एकदम गायब हो जाती है, और वो क्या करती है, वो मकाइबिटी जो है वो आप हवा में भी उड़ सकती है, और आप उसको बेसमेंट में ढूंढेंगे, हवा में ढूंढेंगे तो आपको वहां पे वो नजर नहीं आएगी, यानी कि वो अचानक से गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।